डिक्लेयर्ड टेररिस्ट गुरवंत सिंह पन्नू जो कि भारत से बाहर रह करके देश को देश की एयरलाइंस को उड़ाने का काम करता है, आतंकी मसूद मंसूबे रखता है, वो आपकी बात का समर्थन करते हैं और ये कह रहे कि मैं आपके स्टैंड्स के साथ खड़ा हूं, राहुल गांधी उसका खंडन नहीं कर पाए। एक आदमी उसका विरोध नहीं किया, उससे पल्ला नहीं झाड़ा, तो यहां से कितना सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या पार्टी पन्नू के साथ खड़ी है। भारत का अपमान करना है, देश विश्व गुरु है, इस बात से दिक्कत है। अब आप इसको अपनी डिबेट में लेकर आएंगे, देश विश्व गुरु है, कहते हैं अपने लिए, कहते हैं देश के लिए, कहते हैं आप ही देश में रहते हैं, अपनी नफरत देश के प्रधानमंत्री के लिए उस तरह से मत लगाइए कि वो नफरत देश के लिए बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी के आगे सुजाता जी माता रखिए सुनने का, मैं जवाब दे रहा हूं, आपके बीच में नहीं बोला था। संजय राउत जी ने औरंगजेब कहा था प्रधानमंत्री को, क्या कार्रवाई करी, क्यों तालियां बजा रहे? संजय राउत कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री औरंगजेब है, उसको आतंकवाद बता दिया, उनको बता दिया तो भारत में हमला करा करता था, बेटियों की इज्जत उड़ा करता था, तब क्या किया, तब तालियां बजा रही थी सुजाता को। आज यहां पर सवाल किया आपकी, जय श्री राम। दोस्तों आज के डिबेट में आप देखेंगे कि रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा राहुल गांधी को कहे गए आतंकवादी शब्दों को लेकर, जिसको लेकर कांग्रेस बहुत ही तिलमिलाई हुई है और रोड़ों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। जब रवनीत सिंह बिट्टू से पूछा गया कि आपने राहुल गांधी को लेकर इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया, उनका कहना था कि जो राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों को लेकर कहा और फिर उसका समर्थन पन्नू ने किया जो कि एक आतंकवादी है, पर कांग्रेस ने उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए मैंने राहुल को लेकर इन शब्दों का प्रयोग किया। इसी सब को लेकर यह डिबेट जी न्यूज पर चल रही है, जिसमें बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थ यादव और कांग्रेस की तरफ से सुजाता पाल के बीच गर्मा गर्म बहस हो गई। सुजाता पाल कांग्रेस की शोर मचाओ और गालीबाज प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से ट्रेनिंग लेकर डिबेट में आई थी, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी, अपनी बात बोलकर औरों को बोलने नहीं देना, जिससे ये लगता था कि सुप्रिया श्रीनेत ने ही ट्रेनिंग दी होगी, क्योंकि वह भी डिबेट में इसी तरह की हरकतें करती है, जिसकी वजह से कई बार उसको डिबेट में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। और यही हाल उनकी इस नई प्रवक्ता सुजाता पाल का भी हुआ, जिसको सिद्धार्थ यादव ने डिबेट में जबरदस्त तरीके से धोखे रख दिया। तो देखते हैं कि किस तरीके से सिद्धार्थ यादव ने गालीबाज और शोर मचाओ प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की चमची सुजाता पाल को डिबेट में अच्छी तरीके से सबक सिखा दिया। डिबेट पूरी देखें, क्योंकि डिबेट की आखिरी हिस्से में ही सिद्धार्थ यादव ने सुजाता पाल की अच्छी तरीके से क्लास लगा की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से क्यों हो रही कि राहुल गांधी की जबान काट के लाइए, 11 लाख रुपए का इनाम मैं देता हूं, मतलब अब आप लोग जबान से भी बुलडोजर चलाने लगे हैं। अनुराग जी, इस विषय की गहराई में जाना है तो इनका जो चाल चरित्र और चेहरा है उसको भी समझना पड़ेगा। इस देश में हमारे प्रधानमंत्री के लिए कहा गया कि इसकी बोटी बोटी काट दूंगा, ये तो एक पक्ष है। कांग्रेस पार्टी ने उस इमरान मसूद के साथ क्या किया, पदोन्नति। नहीं भाई, ये राहुल गांधी ने थोड़ी कहा था कि बोटी बोटी काट दूंगा, नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ, बोला इमरान मसूद ने बोटी बोटी काट दूंगा, राहुल गांधी ने उनको संसद में भेज दिया, बयान देने के बाद उनको पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी बना दिया। आज से पहले देश में आदरणीय प्रधानमंत्री को 2009 के बाद लगभग, जो लिस्ट अभी मैं पूरी कंपाइल कर रहा हूं, 120 से ऊपर गालियां दी गई है। क्या क्या कहा गया उनको, उनकी मां के बारे में, परिवार के बारे में। राहुल गांधी ये कहें कि डंडे पड़ने चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, डंडे पड़ने चाहिए, ये राहुल गांधी कहे तब वो कहा जाता है, ये इनका शीर्ष नेतृत्व। उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री को डंडे पड़ने चाहिए और आपने कहा उनकी जबान काट के लाओ 11 लाख रुपए मिलेंगे, तो मतलब ये सही राजनीति है, मतलब आप भी उनके जैसे बन जाएंगे? नहीं, उनके जैसे बनना, तो आइडियोलॉजी अलग थी। देखिए अनुराग जी, उनके जैसे बनना तो असंभव काम है, क्योंकि इतनी नफरत लाना तो बहुत ही कठिन काम है। मोहब्बत की दुकान लगाते हो, मोहब्बत की दुकान पर नफरत नहीं बिकती, मोहब्बत की दुकान ही नफरत के बाजार में है। अब जिस बाजार होगा तो सामान तो वही बिकेगा ना, नाम अब बाहर मोहब्बत लिख दो और बाजार नफरत का है तो क्या करेंगे। इनकी मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में है, ये अपने नेताओं को प्रोत्साहन के। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं अनुराग जी, इस प्रकार की बयानबाजी किसी की तरफ से भी आए वो नहीं आनी चाहिए, मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। पर ये बात, ये आक्रोश, कांग्रेस पार्टी का ये रवैया, ये तब कहां चला जाता है जब देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है, ये तब कहां चला जाता है जब ऐसा बोलने वाले लोगों को, हमने तो किसी को पदोन्नति नहीं दी, हम किसी का समर्थन भी नहीं कर रहे, हमने कहा ही नहीं कि ये बात ठीक है, पर आप जब उनको पदोन्नति देते हैं, बड़े पदों पर बैठाते हैं, उनको इसका उत्साह, उनका वर्धन करने का काम करते हैं कि वाह क्या बात है, आप प्रधानमंत्री की मां के बारे में ऐसा कह के आए, वो बात को भी ख्याल रखिए, क्योंकि घूमकर तो आप पे आएंगे, ये रहे पहली बात। और दूसरी बात, आज तो देश की जनता इनसे जवाब मांग रही है अनुराग जी, आतंक और आतंकी बोलने और सुनने में इनको बहुत समस्या है, देश की जनता इनसे जवाब और इंसाफ मांग रही है कि जब बाहर ये जाते हैं और भारत विरोधी स्टैंड्स का, देश में एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट गुरवंत सिंह पन्नू जो कि भारत से बाहर रह करके देश को, देश की एयरलाइंस को उड़ाने का काम करता है, आतंकी मंसूबे रखता है, वो आपकी बात का समर्थन कर दे और ये कह दे कि मैं आपके स्टैंड्स के साथ खड़ा हूं, राहुल गांधी उसका खंडन नहीं कर पाए, एक आतंकी का खंडन नहीं कर पाए, कुछ नहीं बोला राहुल जी ने, चुप है। अगर आप आतंकियों के साथ चुप खड़े रह सकते हैं, तालियां बजाने का काम कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं उनके समर्थन लेने पर, तो देश की जनता का रोष आपको झेलना पड़ेगा। सुजाता पाल का मैं रिएक्शन लूंगा। पहली बात तो ये कि इमरान मसूद हमारी पार्टी में नहीं थे जब उन्होंने ये बयान दिया, और देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करता है तो उस कारण से इनके नेताओं ने ये बातें बोली, ये भाजपा प्रवक्ता का अधिकृत बयान है अभी आपके चैनल पर। मैं जानना चाहती हूं कि मंत्री हैं रवनीत बिट्टू, हार गए, भड़ास है, और जो कांग्रेस पार्टी से भाजपा में गया है उनके अंदर होड़ है कि छपाक छपाक करके कीचड़ में कूदे ताकि वो कमल बनकर खिल सके, और इसी कारण से वो जब राहुल गांधी जी को आतंकवादी नंबर वन बता देते हैं, और उनकी ही ये बात उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने भी जब कहा अभी इंदौर में कल, तो क्या इसका समर्थन कर रहे हैं? मगर बात तो सच है ना
कि हम तो गांधी के अनुयायी हैं और एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे हम तो दूसरा गाल आगे करने वाली बात करते हैं, लेकिन हमें पता है कि मुकाबला देश के कानून से कैसे किया जाता है, इसीलिए हमने एक FIR दर्ज करवाई है। लेकिन दूसरी बात, आपने सुना कि शिवसेना शिंदे के संजय गायकवाड़ क्या कहते हैं कि आपने उस बात को कहा भी कि 11 लाख का इनाम दूंगा अगर राहुल गांधी की जीप काट दी जाए, और इन्हीं के तरविंदर सिंह मारवा क्या कहते हैं कि राहुल गांधी जी का वही हश्र होगा जो उनकी दादी इंदिरा गांधी जी का हुआ। आप समझ रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, ये राहुल गांधी के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर इसमें इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी उनको डिफेंड करते हुए बता रही है कि साजिश का वो खुद भी हिस्सा है। क्या इसका खंडन भाजपा के बड़े नेता करेंगे, क्योंकि जो अभी आपके यहां बैठे हुए प्रवक्ता ने कहा है वो यही कह रहा है, इसी ओर इशारा कर रहा है कि साजिश में पूरी भाजपा इन्वॉल्व है। कि अनुराग जी, मैंने बहुत स्पष्ट कैटेगोरिकली आपके शो पे कहा कि इस प्रकार का राजनीति में वक्तव्य किसी को भी नहीं देना चाहिए, इसकी कोई स्थान नहीं है, ये कैटेगोरिकल बयान है। कांग्रेस पार्टी, तो पार्टी ने आपके पार्टी ने क्या कार्रवाई की ऐसा बयान देने वालों पर? कार्रवाई भी तो नहीं हुई। देखिए, जो भी उचित कार्रवाई होगी और कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो कांग्रेस पार्टी भी अधिकृत है और हमारी पार्टी के पास भी वो लिबर्टी है, हम दोनों कार्रवाई करेंगे। एक जवाब तो बोटी बोटी काट दूंगा पर देते, भस्मासुर, राक्षस, दलाल, गंदी नाली का कीड़ा, लिस्ट है, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री के लिए कहा गया। कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं टीवी पे नहीं बोल सकता, नेशनल टेलीविजन पर। एक जवाब, एक शब्द तो उस पर भी बोलिए। जब आप करें, पूरी पार्टी मिलकर के करें, उनको उत्साहवर्धन करने का काम करें, उनको पदोन्नति देने का काम करें, तब बहुत अच्छा। कहीं और से बोला गया, हम तो बोल रहे हैं खराब है, आपका स्टैंस कहां है? ये जो हिपोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी की, इससे बाहर आइए। गुरुवंत सिंह पन्नू, जवाब खाली रह गया, कुछ नहीं बोला गया, एक जवाब नहीं आया कि आतंकी आपका साथ दे रहा है, आप उसका खंडन नहीं कर पा रहे, फिर खराब लगता है कि अगर आपको देश की जनता जवाब पूछती है तो। सुजाता पौर, ये सवाल तो है, क्योंकि रवनीत बिट्टू ने भी यही कहा है कि मैंने अपना बयान तब दिया है जब पन्नू के बयान देने के बाद, राहुल गांधी के बयान को सेकंड करने के बाद, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया, उससे पल्ला नहीं झाड़ा। तो यहाँ इतना सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या पार्टी पन्नू के साथ खड़ी है? एक बात मैं आपको बिल्कुल साफ कर देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का नैरेटिव करे, पन्नू 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 करके उसी को हमारे देश में एक प्लेटफॉर्म दे रही है। हाँ, पन्नू को इतना प्लेटफॉर्म मत दीजिए, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और तो अगर आप अपने कार्यक्रम में उसका नाम लेंगे तो यानी कि आप उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। कृपया ये ना करें जी न्यूज, मेरा आपसे निवेदन है। अभी इमरान मसूद के बारे में क्या कहा कि मेरी पार्टी के बाहर रहकर अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ, भर्सना करती हूँ, लेकिन देश में लोकतंत्र है, और आज हाँ अगर आज वो मेरी पार्टी में आते हैं तो मैं उनको उनसे ये उम्मीद भी करूंगी कि वो बिल्कुल कोई गलत काम ना करे। नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, मैं पूरा चेक करके आपको बता रही हूँ। ऐसे बयान वाले को नेशनल सेक्रेटरी और राज्यसभा, उनकी इस बात का किसी ने समर्थन किया? दूसरी बात, बीच में क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपके बीच में एक शब्द बोला, नहीं, बोलिए, सुनने का मद्दा रखना चाहिए भाजपाइयों को। दूसरी बात, ये चार लोगों के चार बयान अभी पिछले कुछ दिनों में आए हैं, और लेटेस्ट है कल का बयान। आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है? देश के प्रधानमंत्री से भी जानना चाहती हूँ कि जब आप सत्ता पे हैं और विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की बात होती है तो ये आपका चाल चरित्र चेहरा भी दिखाता है कि आप देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं ले रहे, अपनी पार्टी को नहीं कह रहे कि इन लोगों के खिलाफ, तीन तो आपकी पार्टी के हैं, एक शिवसेना शिंदे के हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री ने कहा? विश्व गुरु है तो देश में भी तो गुरु बनिए। अरे बताइए, अब इसमें भी भारत का अपमान करना है, देश विश्व गुरु है, इस बात से दिक्कत है। अब आप इसको अपनी डिबेट में लेकर के आएंगे, देश विश्व गुरु है ऐसा हम कहते हैं, किसके लिए कहते हैं? अपने लिए कहते हैं, देश के लिए कहते हैं, आप इसी देश में रहते हैं, अपनी नफरत देश के प्रधानमंत्री के लिए उस स्तर पे मत ले जाइए कि वो नफरत देश के लिए बदल जाए, ये पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपके शो में जो यथासंभव, अब सुजाता जी अभी आप मेरे को ज्ञान दे रहे थे, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मादा रखिए सुनने का, मादा रखिए, ऐसा ही बता रहे थे ना, मादा रखिए, सुजाता जी सुनिए बात को। अब देखिए, अभी ये हिपोक्रेसी कांग्रेस पार्टी की आ गई, सुजाता जी मादा रखिए सुनने का, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोला था, हिपोक्रेटिक मत होइए, अरे मादा तो आपको रखना पड़ेगा, भारी मेरी ये बोलने की, आप सुनना नहीं चाहते, हिम्मत है तो ये बताइए, अरे हिम्मत है तो सुनिए, हिम्मत है तो सुनिए ना, सुन नहीं रहे आप, इतने शक्तिशाली आप बोलते रहे, आपको पता है कि आपको पता है कि जो देश विरोधी मानसिकता है वो बाहर निकल के आ चुकी, इसलिए आप ये आपको मिर्ची लग गई, तिल मिला गया, ये समस्या है, बोल लीजिए, आपके शो का समय खराब हो रहा है, मेरा कुछ बात नहीं, बात पूरी करके मैं सभी को सबकी बात पूरी करूंगा, आप इनको बुला लीजिए, इनको पंकज शर्मा जी को लाते हैं, मैं बस 10 सेकंड अपनी बात पूरी करना चाहता हूं, 10 सेकंड में, मैंने आपके शो पे कहा जो कार्रवाई हमको करनी है, इनको जो करनी है कानून के अधिकार इनके पास है, इनको करना चाहिए, और जो कार्रवाई अनुशासन के अनुरूप हमको करनी है हम करेंगे। जब संजय राउत जी ने औरंगजेब कहा था प्रधानमंत्री को, क्या कार्रवाई करी? क्यों तालियां बजा रहे थे? संजय राउत कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री औरंगजेब है, उसको आक्रांता बता दिया, उनको बता दिया जो भारत पे हमला करा करता था, बहन बेटियों की इज्जत लुटा करता था, तब क्या किया? तब तालियां बजा रही थी सुजाता पौर जी, आज यहां पर सवाल पूछती है, ये आपकी हिपोक्रेसी, ये कमाल है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी,
वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।